हेलो एवरीवन वेलकम यू द देशन सीरीज टेन ए क्रैश कोर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम

अगर हमें कोई कैपिटल गेन हो रहा है इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे भी हम जो है टैक्स पे करते हैं अगर हमें कोई बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या इनकम आ रहा है कोई प्रोफेशनल फीस आ रही है तो यहाँ पे भी हम टैक्स पे करते हैं और कोई अदर सोर्सेज से इनकम आ रहा है तो वहां पर टैक्स पे करते हैं दैट मीन्स हम जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे करने की वजह से जो हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न है दैट इज पोस्ट टैक्स इनकम जो है वो कम हो जाता है उसकी वजह से हमारी परचेसिंग पावर जो है वो भी कम हो जाएगी तो फिनेंशियल प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली स्पीकिंग हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर करेंगे एक्जैक्टली exactly, हम टैक्स प्लानिंग कैसे करके हम हमारे जो गवर्नमेंट को, को तो जो भी टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें जो जो वेज बोले हुए है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके हमारे टैक्स जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं वो बर्डन वो हम करेंगे हम कहीं भी टैक्स एलिमिनेट नहीं कर रहे टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर रहे हैं सो हाउ डज टैक्स प्लानिंग इम्पैक्ट फिनेशियल प्लानिंग अगर आपने टैक्स प्लानिंग सही नहीं की होगी तो इट इज डेफिनेटली गोइन टू रिड्यूस योर पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑप्शन इज सी नेक्स्ट वाई डिज रिटायरमेंट प्लानिंग कंसिडर अल फैशियल गोल्ड इट इज एंड क्रूशियल टू स्पेंड रेकलेसली इन रिटायरमेंट टू एंश्योर अम्फर्टेबल रिटायर्ड लाइफ टू इग्नोर सेटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरेशन जो है ये बहुत ज्यादा केयरफुल है अपने रिटायरमेंट को लेकर इन्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर मतलब पोस्ट रिटायरमेंट भी हमें यही टाइप की लाइफ जीनी है जो हम अभी जी रहे दैट मीन्स यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और वो तभी पॉसिबल है जबकि पोस्ट रिटायरमेंट में भी दैट मीन्स रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम पॉसिबल है या एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है वो कभी पॉसिबल होगा जब आपका एक्टिव वर्क लाइफ है वहां पे आपने अच्छे से सेविंग्स किए हुए हैं तो वो सेविंग्स जो भी है उसका रिटर्न आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है तो रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है जब भी आपका एक्टिव वर्क लाइफ है उसी में आपके सेविंग जो है वो आपको एक्युमुलेट करने हैं ये जनरेशन में मैंने पर्टिकुलरली देखा है जब भी वो जॉब ज्वाइन कर रहे है वो टाइम पे जब भी आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाता है उसके बाद तुरंत ही ये लोग जो है इंश्योरेंस प्लानिंग कर रहे हैं मतलब अपना टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसको हम मेडिक्लेम बोलते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकते हैं तो अगर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन उसके लिए बेटर है लॉन्ग टर्म में जो है वो लार्ज कैप फंड है मल्टी कैप फंड है फोकस फंड है ये भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर एक्चुअली चेकिंग द द एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंड ऑन अ रेगुलर बेसिस तो वाई आर यू कंसिडरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग एज अ क्रूशियल फिनेंशियल गोल बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट

Next, in the financial planning process, what does the establishment and definition of client planner relationship involve? So, client planner relationship. होता है जो इस्ट होता है तो वो होता है एक के थ्रू कि थ्रूजली जो है क्लाइंट के लिए एक प्लानर एक फाइनेंशियल प्लानर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे टाइप का, का काम करने वाला है तो ये सारी चीजें अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होती है एक जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसके पहले ही डिफाइन होते हैं बिफोर यू एंटर इंटू एनी अग्रीमेंट तो ऑप्शन देख लेते हैं सेटिंग फिनेंशियल गोल्स तो वो तो होगा ही बट वेन इट इज अ क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप की बात होती है तो डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर स्टिल विल चेक ऑप्शन इंप्लीमेंटिंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज ये उसका जो प्लानर है दैट फाइनेंशियल प्लानर के काम का एक हिस्सा है लेकिन रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश करने की बात आती है तो इट इज गोइंग टू बी डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट Next, what is the primary purpose of goal setting in financial planning? Estimating current income, identifying liabilities, defining specific future financial objectives, and assessing past investment performance. पास्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि ऐसे भी पॉसिबल है कि आपने पहले के या पास्ट के इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद ही से प्लान किए अभी आपने किसी फाइनेंशियल प्लानर को या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हायर किया होगा तो ये इतना मैटर नहीं करेगा एस्टिमेटिंग करंट इनकम ओके दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट बट प्राइमरी पर्पज ऑफ गोल सेटिंग होगा डिफाइनिंग स्पेसिफिक फ्यूचर फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है वो हिसाब से ही जो है आपका गोल सेटिंग होगा ये गोल में गोल तो रहेगा ही मतलब आपको क्या चाहिए एट द सेम टाइम कभी चाहिए और कितने का ये ये अमाउंट अमाउंट है है मतलब कितना इसके इसके साथ इसके लिए रिक्वायर्ड सारी फ्यूचर वट इज द प्राइमरी पर्प ऑफ गोल सेटिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वाई इज इट एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू सेव पोर्सन ऑफ दर करंट इनकम टू इंक्रीज करंट एक्सपेंसिस टू इन्वेस्ट इन अस्क अ सेट टू पे ऑफ एक्सिस्टिंग डेट टू क्रिएट अ फैंशियल बफर फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिस मेरे हिसाब से टू क्रिएट ए फियल बफर फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज ये ज्यादा रेलिवेंट आंसर है क्योंकि जो भी आपका करंट इनकम है इसका एक पोर्सन जो है एज अ इमरजेंसी फंड हम सेव करते हैं तो एक बफर काम करता है फॉर द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज क्योंकि लाइफ के साथ जो है अनसर्टेंटी जुड़ी हुई है नेक्स्ट हाउ इज नेटवर्क कैलकुलेटेड एसेट प्लस लाइबिलिटी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय एसेट्स तो करेक्ट आंसर क्या है ऐसेट्स माइनस ये करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल तो तो है डेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह सब आती है वहां पे म्यूचुअल फंड वगैरह भी हो सकते हैं तो ये सारी चीजें फिनेंशियल एसेट्स में आ जाएंगी और जो फिजिकल यहाँ पे आपका गोल्ड इज फिजिकल गोल्ड जो आपके पास है प्लस आपके जो रियल इस्टेट्स वगैरह है और जो भी आपने प्रॉपर्टी ज बनाई हुई वो सारी चीजें फिजिकल एसेट्स में आती है आपके पास जो भी आ, मतलब जेम्स है आपके पास जो भी आ, द, मतलब एक्सपेंसिव घड़िया होगी या जो भी पेंटिंग होंगे आर्ट वगैरह के स्कल्पचर्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल एसेट्स में आती है लाइबिलिटीज में आएगी जो भी आपको बैंक के लोन देने हैं या इमीडिएट लाइबिलिटीज भी हो सकती है वो हो सकते हैं जो भी आपने घर लेने के टाइम पे कुछ ई वगैरह चल रहे होंगे वो सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज आती है तो ये सारा पे करने के बाद जो भी बचा है दैट

बैंक डिपॉजिट्स इक्विटी शेयर रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बैंक में जो पैसे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ये फिजिकल एसेट नहीं है इक्विटी शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट में आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं तो ये भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एसेट नहीं है रियल इस्टेट जो है वो फिजिकल फॉर्म ऑफ एसेट है तो ऑप्शन इज रियल इस्टेट अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि रियल इस्टेट है या प्रेशियस स्टोन uh, हो सकते हैं जेम्स हो सकते हैं आर्ट uh, हो सकते हैं आपके या कोई स्कल्पचर्स है गोल्ड uh, ज्वेलरी है uh, या तो फिर वॉचेस uh, है एक्सपेंसिव वॉचेस वगैरह ये सारी चीजें जो है वो रियल फिजिकल एसेट में आती है नेक्स्ट वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड इनकम एसेट्स ओरिएनकम ओरिएइन विदेस्टर्स फिनेंशियल गोल्स एंड रिस्केंसेज टू एसेज लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेज टू डिमीन टैक्स लाइबिलिटीज तो ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब है बेसिकली आपने किसी इन्वेस्टमेंट किसी फिनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पे ग्रोथ हो रहा है मतलब वहां का जो पैसा है वो आप कुछ अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे नहीं ले रहे हो तो ग्रोथ ओरिएंटेड फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट आपका एन बढ़ रहा है तो वहां पर वापस वो वहीं पे इन्वेस्ट हो रहा है आप उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके नहीं ले रहे हो लेकिन इनकम ओरिएटेड

वो डिविडेंड के फॉर्म में आएगा तो दैट इज ऑल्सो इनकम ओरिएंटेड एसेट हो गया तो ये सारी चीजें जो है ये आपको इनकम देती है ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट मीन्स यू आर एंटिसिपेटिंग दैट आई शुड गेट सम इनकम तो यहाँ पे दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ में रहती है मतलब वहीं पे इन्वेस्टेड रहती है आपने पैसा लिया नहीं वहीं पे इन्वेस्टेड होते रहा और इनकम ओरिएंटेड एसेट में कुछ पैसा जो आपके so है आपके बैंक अकाउंट में क्रिएट होते रहेगा सो दैट यू कैन यूज दैट मनी तो करेक्ट ऑप्शन है टू अलाइन विद इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क प्रेफरेंसेस। तो किसी किसी को चाहिए होता है कि हमें जो पैसा है रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए तो वो इनकम ओरिएंटेड एसेट्स में जाते हैं फिनेंशियल गोल उनके ऐसे है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर शायद उन्होंने कुछ लोन लिया होगा उसका कुछ रीपेमेंट करना है सामने उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है तो ये लोन का रीपेमेंट जो जो है है वो इसके इन्वेस्टमेंट के है उससे या जो भी इनकम ओरिएंटेड एसेट्स उनके रहेंगे उसे पे ऑफ होता रहेगा रिस्क प्रेफरेंस भी अगर बहुत ज्यादा नहीं रहता तो ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वो इनकम ओरिएंटेड एसेट्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रिस्क प्रेफरेंसेज भी मैटर करते हैं इन ऑर्डर टू चूज बिटवीन दि Growth oriented uh, aspect of an asset or an income oriented aspect of an asset. Okay. So, why is it important to differentiate between growth oriented and income oriented asset? Because it is help you to align with the investor's financial goals and risk preferences.